गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.2 कंटिन्यू था। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 की बेस पे ही है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आई होप कि आपने सॉल्व कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके कुल मिलाकर 8 पार्ट है, 8 पार्ट है। 8 पार्ट में से अगर एक पार्ट भी आप अच्छे से समझ जाते हो कि क्वेश्चन में क्या है, हमें क्या करना है, तो आप बहुत आसानी से बाकी सारे पार्ट इसके क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है आपका, पॉलीनोमियल गिवन है, p ऑफ x इज इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, फर्स्ट है p ऑफ x इज इक्वल टू 3x+1, p ऑफ x इज इक्वल टू 3x+1। और ये बताना है कि इसके सामने जो x की वैल्यू गिवन है, x इज इक्वल टू -1/3, क्या इस पॉलीनोमियल का ये जीरो है कि नहीं है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -1/3 इस पॉलीनोमियल का जीरो कब होगा, जब इस x की वैल्यू को हम x के प्लेस पे पुट करेंगे, इस पॉलीनोमियल में x के प्लेस पे पुट करेंगे और हमें आंसर क्या मिलेगा, सॉल्यूशन जीरो। तब हम कहते हैं कि x इज इक्वल टू -1/3 गिवन पॉलीनोमियल का जीरो है, अदरवाइज नहीं है। वापस में जो x की वैल्यू है -1/3 जो इसके सामने इंडिकेटेड है, पॉलीनोमियल के सामने ये वैल्यू इसमें रखेंगे x के प्लेस पे, हमें आंसर जब जीरो मिलेगा तो आप बोलोगे यस ये इसका जीरो है, और आंसर जीरो नहीं मिलेगा तो आप बोलोगे x इज इक्वल टू -1/3 इज नॉट जीरो ऑफ px। तो आइए चेक करते हैं कि क्या ये जीरो है या नहीं है। इसको चेक करने के लिए सबसे पहले इस पॉलीनोमियल में x के प्लेस पे क्या रखना है, -1/3, p ऑफ -1/3 -1/3 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ 3 × -1/3 + 1। ठीक है, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल होगा, क्या बचा आपका -1 + 1, दैट विल बी 0। तो आप क्या लिखोगे कि x इज इक्वल टू -1/3 इज जीरो ऑफ पी एक्स, या लिख सकते हो x इज इक्वल टू -1/3 इज जीरो ऑफ 3x+1। ठीक है, इसके बाद सेकेंड पार्ट सेल्फ करेंगे, थर्ड पार्ट देखते हैं। p ऑफ x इज इक्वल टू x²-1, आपका पॉलीनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू x²-1, x इज इक्वल टू 1 और -1 दो वैल्यू गिवन है, दोनों पे चेक करना है कि क्या ये दोनों वैल्यू इस पॉलीनोमियल के जीरोस हैं या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे 1, तो 1 पुट करके देखते हैं p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1² - 1, क्या हो जाएगा 1 - 1, दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल टू 1 इज जीरो ऑफ px। देखें x के प्लेस पे क्या पुट किया, 1 यहां 1 रख दिया, 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू 1 इज जीरो ऑफ px। इसके बाद -1 पुट करके देखें, p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1² -1, अगेन आपको पता है -1 की पावर है, पावर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा +1 -1, अगेन हमें क्या मिल गया 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू -1 भी इस गिवन पॉलीनोमियल x²-1 का जीरो है। करना क्या है आपको, जो भी वैल्यू सामने गिवन है इस पॉलीनोमियल में पुट करना है, और पुट करने के बाद अगर 0 मिले तो आपको लिखना है कि यस इट इज द जीरो ऑफ px, और अगर नहीं मिले तो आप क्या लिखोगे, इट इज नॉट जीरो ऑफ px। इसके बाद फोर्थ और फिफ्थ आप सेल्फ करेंगे, इसका सिक्स पार्ट देखें। सिक्स पार्ट है p ऑफ x इज इक्वल टू lx+n, सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है, ऐसे थे क्या है क्वेश्चन, p ऑफ x इज इक्वल टू lx+n, यहाँ पे x की वैल्यू क्या गिवन है, x इज इक्वल टू -m/l, यानी कि x के प्लेस पे क्या रखना है आपको -m/l, और ये बताना है कि क्या ये -m/l इस पॉलीनोमियल का जीरो है या नहीं है। इसके लिए क्या करोगे, वैल्यू पुट करते हैं p ऑफ -m/l इज इक्वल टू l × -m/l + n। यहाँ आप देखते हो कि l से l कैंसिल हुआ और -m + m ये भी कैंसिल हुआ, क्या मिला हमें 0। इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू -m/l इज जीरो ऑफ px।
ऐसे ही इसमें इसका सेवन पार्ट है और एट पार्ट है, आई होप इसको आप सेव कर लेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 कंटिन्यू करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में।